तो हेलो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे Redmi 10 Prime के यूज़र हैं तो आपके लिए MIUI 14.0.3.0 चाइना शेबल अपडेट, जो कि सेकंड शेबल अपडेट था, उसको MI पायलट में रिलीज़ कर दिया गया था। तो अब इसी के साथ उस वाले अपडेट को MI पायलट से पब्लिक में रोलिंग आउट करना स्टार्ट कर दिया है। 14.0.3.0 चाइना स्टेबल अपडेट TKUCNXM, यहाँ पे ये स्टेबल अपडेट यहाँ पे MI पायलट से पब्लिक में भी रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है। इसके डाउनलोड लिंक्स मैं पोस्ट कर चुका हूँ। इस अपडेट के साइज़ की बात करें तो ये हमें 268 MB में देखने के लिए मिल जाता है 14.0.2.0 से। तो इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि 14.0.2.0 का जो स्टेबल अपडेट है वो फुली रिलीज हो चुका है। उसमें हमें छोटे मोटे बग्स मिलते होंगे, लेकिन वो सभी बग्स होपफुली इस वाले वर्जन में हमारे फिक्स हो चुके हैं। और इसके रिगार्डिंग मैं आपको दिखा दूं इसके चेंज लॉक की, तो इसका चेंज लॉक हमें मई का सिक्योरिटी पैच मिल जाता है 268 MB के साइज में। तो अब इसी के साथ इस वाले अपडेट में आपको MI डायलर, MI कॉन्टैक्ट सभी के सपोर्ट देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर आप इसको रीनेम टिक 2.0 से फ्लैश करना चाहते हैं और अगर आपको गूगल की कोई भी नीड यहाँ पे नहीं है तो आप इसको अभी के अभी फ्लैश कर लीजिए। और मैं यहाँ पे बूट लोडर अनलॉक मीडिया टैग में आप विदाउट रीसेट कैसे कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग वीडियो क्रिएट कर चुका हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको चाइना स्टेबल यहाँ पे फ्लैश करना है तो आप सबसे पहले मीडिया टैग अनलॉकर टूल से अपना बूट लोडर अनलॉक कर लीजिए। आपको कोई भी रीसेट की नीड नहीं पड़ेगी। उस वाली वीडियो का लिंक इस वाली वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और बूट लोडर अनलॉक करने के बाद सिंपली रीनेम टिक 2.0 से आप 14.0.3.0 चाइना स्टेबल पर चले जाइए। और अगर आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है तो आपका बूट लोडर ऑलरेडी यहाँ पे अनलॉक है, तो बूट लोडर अनलॉक है तो आप फास्टबूट रोम फ्लैश करके वापस इंडिया ग्लोबल में कभी भी स्विच कर सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पे PC की नीड पड़ेगी, क्योंकि MI फ्लैश टूल से आप फास्टबूट रोम कभी भी फ्लैश कर सकते हैं। और इस और चाइना स्टेबल को फ्लैश करने के बाद आपको MIUI डायलर, MIUI कॉन्टैक्ट्स और भी यहाँ पे बहुत सारे एडवांस फीचर्स देखने के लिए मिल जाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, यही थी आज की पूरी छोटी सी वीडियो की। अगर आपको Redmi 10 Prime में MIUI 14, मई सिक्योरिटी पैच, MIUI डॉलर, MIUI कॉन्टैक्ट, सुपर आइकन्स, लार्ज फोल्डर्स, न्यू विजिट्स के साथ फ्लैश करना है तो आप यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे चाइना में हमें ब्रांड न्यू फीचर्स मिलते हैं, न्यू विजिट्स, न्यू ऐप वॉल्ट, सुपर आइकन्स, जो कि केवल चाइना रोम में ही अवेलेबल है। तो आप इन सभी फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं अगर आप Redmi 10 Prime में MIUI चाइना की रोम को फ्लैश करेंगे। तो यही थी आज की पूरी वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर से करके जाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।